आज मसाला किचन में बन रहा है ऐसा नाश्ता जिसके सामने केएफसी का नाश्ता भी फेल हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा केएफसी का नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी होता है। आज हम प्योर वेज बनाएंगे और उससे भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे, लहसुन और प्याज भी नहीं डालेंगे। और पता है मैं इसे बनाने वाली कैसे हूँ? बचे हुए चावल से या फिर भीगे हुए पोहे से। आज मैं इसी चावल से दो नाश्ते बनाऊंगी, बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इसमें बहुत सारे मजे हैं, हम इस नाश्ते को बनाकर भी फ्रोजन करके रख सकते हैं। इतना टेस्टी नाश्ता तो बनाना बनता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। जब खाने की बारी आती है सभी को यही लगता है कि अगर कुछ बना रहे हो वो आसान हो, टेस्टी हो और बहुत ही क्रिस्पी हो। आज ऐसे ही दो नाश्ते लाई हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। ये जो चावल है अगर आप कटोरी में देखेंगे तो दो कटोरी भर के हैं, और अगर आपने कच्चे चावल को देखे हुए तो एक कटोरी चावल नॉर्मल जब हम बॉईल करते हैं बनाते हैं तो दो कटोरी ढाई कटोरी के आसपास बन जाता है, वही है। अब इन चावल को हम आधा आधा कर देते हैं। आधे चावल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया, 1/4 कटोरी मैंने डाल दिया दही, 2 चम्मच डाल दिया पानी और इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। एक बड़े से बोल में इस पेस्ट को निकाल देती हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1/4 कटोरी भर के सूजी, बारीक हो मोटी हो चलेगा, जो भी आप डालना चाहे। आधी कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। आप लगे तो आपको गेहूं का आटा डाल सकते हो, आपको लगे तो बेसन का आटा डाल सकते हो, आपको लगे तो सूजी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। अब इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और कुछ करी लीव्स। इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम मीठा सोडा डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा साबुत धनिया, स्वाद अनुसार नमक। इन सबको इसमें मिक्स कर रही हूँ। सूजी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, और अब हम इसे ढक के रख देते हैं। अब चलते हैं दूसरे नाश्ते की तैयारी करने। जो बचे हुए चावल थे 1 सवा कटोरी, उसे मैंने एक परात में डाल दिया है। जितना चावल था उतना ही लगभग मैंने डाल दिया आलू ग्रेट किया हुआ कटोरियों से नाप कर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक ग्रेट की हुई, हरा धनिया खूब सारा और चिली फ्लेक्स। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सफेद तिल। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सारी चीजों को मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 कटोरी से थोड़ा ज्यादा बेसन। यहाँ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बेसन डालना है तो बेसन डालिए, चावल का आटा डालना है तो चावल का आटा डालिए, सूजी डालनी है तो सूजी डाल दीजिए, जो आपकी चॉइस हो। अब ये डो नुमा तैयार हो गया है, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इसे चिकना कर दीजिए। यहाँ मैंने एक ट्रे लिया, उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, आप सिल्वर फॉइल भी ले सकते हो। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और ये जो डो है वो इसके ऊपर बिछा दीजिए। पूरा मैं बिछा दूंगी तो बहुत पतला हो जाएगा, मुझे बहुत पतला ये नाश्ता नहीं चाहिए, तो मैंने थोड़ी जगह बचाकर बाकी सारी ट्रे में इधर फैला दिया है। हम इसे रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में। तब तक करते हैं हम एक तैयारी। यहाँ लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं बिल्कुल प्लेन वाले, चॉकलेट वाले नहीं, नमकीन नहीं, सिंपल प्लेन, ये जो मिल जाते हैं इजीली आपको, वो आपको क्या करना है, ग्राइंड करने हैं। इसका मैंने चिवड़ा भी आपको बना के दिखाया है। ये जनरली फ्राई करके चिवड़ा बनाया जाता है। इसका चिवड़ा कैसे बनाया जाता है, जो मार्केट में मिलता है, उसकी रेसिपी मैं नीचे लिंक आपको दे दूंगी, आप बना सकते हो, बहुत ही परफेक्ट चिवड़ा बनता है। अब ये कॉर्नफ्लेक्स जो मैंने लिए हैं इनको मुझे ग्राइंड करना है, बहुत चूरा नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है। ये वही नाश्ता बनेगा जैसे क्रिस्पी, बिल्कुल केएफसी जैसा बनता है। ये देखिए, ये वाला जो क्रंच है आप किसी भी नाश्ते में लगाएंगे वो नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स को दरदरा कूट लें। अब चलते हैं, 2 चम्मच लेते हैं मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसका एक पतला घोल बना देते हैं, एक स्लरी बना देते हैं।
इस नाश्ते को हम फ्रोजन कैसे करेंगे 15 से 20 दिन के लिए, तो वो किस स्टेज पर हमें करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरीके से पतला घोल बन चुका है और आधा घंटा भी हो चुका है। फ्रिज से उस नाश्ते को निकाल लेते हैं और उसे निकालने के बाद हमें शार्प नाइफ से इसे कट करना होगा मनपसंद शेप में। मैंने इसे पतले पतले लंबे स्लाइस की तरह कट किया है। आपको जरूरत लगे तो नाइफ पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो। ये देखिए, एक एक स्लाइस इस शेप का हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, कैसे बनाना होगा, एक पतला जाली वाला झारा ले लीजिए। झारा अगर आप जाली वाला लेंगे उससे एक्स्ट्रा स्लरी नहीं लगेगी और कॉर्नफ्लेक्स खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप डिप करके कॉर्नफ्लेक्स में आप रैप करते हुए रखते जाइए। सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बनाना है। एक हाथ से आपको डिप करके इसमें रखते जाना है, दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, इस तरीके से रैप करते जाना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची नाश्ता बनता है, चटपटा होता है, टेस्टी लगता है बहुत। और अब आप इस टाइम उठाकर जितने आपको यूज करने आप यूज कर सकते हो। आप इसे फ्राई कर सकते हो, आप इसे अवन में बेक कर सकते हो ऑयल ग्रीस करके, आप इसको एयर फ्रायर में ग्रीस करके ऑयल की बेक कर सकते हो। कितना बेक करना है डिपेंड करता है आपको कितना क्रिस्पी चाहिए। 15 मिनट करीब लगेगा आपको इसे क्रिस्प करने में। और हाँ, इस तरीके से बॉक्स में भर के एक्स्ट्रा वाले रख दीजिए फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रख दीजिए। आपको जब मन करे, बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे, तो आप इस तरीके से फ्राई करके दे सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, मीडियम फ्लेम है और अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा धुएं वाला ऑयल नहीं चाहिए। और इसमें तीन तीन चार चार पीस डालकर इस तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा क्रंच मिलेगा आपको इस नाश्ते के अंदर, बहुत ही अमेजिंग। इसे निकाल कर आप बढ़िया सी हरी चटनी के साथ, टमेटो केचप के साथ खा सकते हो। हरी चटनी कैसे बनाई जाती है मैंने कईयों बार आपको रेसिपी के साथ दी है, आप उसी तरीके से हरी चटनी बनाइए। इस नाश्ते को बच्चों को टिफिन में, ऑफिस के टिफिन में दे सकते हो, शाम को जब भूख लगे तब दे सकते हो, जब कोई मेहमान आए तब भी आप यूज कर सकते हो। है ना बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता। चलिए अब फटाफट से दूसरा नाश्ता देख लेते हैं जिसे हमने घोल के रखा है। उस नाश्ते को आप कई तरीके से बना सकते हो। इसमें बारीक कटी वेजिटेबल्स डाल के चीला बना सकते हो और इसको बहुत ज़्यादा पतला घोल करके डोसे जैसा बना सकते हो। इसमें थोड़ा और मिश्रण डालकर इसे आप कोई भी शेप देकर इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स को पाउडर की तरह पीस कर इसमें रैप करते हुए फ्राई कर सकते हो, बेक कर सकते हो। लेकिन अभी मैं इसे अप्पे मोल्ड में अप्पे बना रही हूँ। एक और बात, ये जो कॉर्नफ्लेक्स वाला मिश्रण है इसे मैंने प्रॉपर ग्राइंड किया है जिससे बहुत ज़्यादा पतला हो जाए और इस गोले के ऊपर अच्छे से लग जाए और अप्पे मोल्ड में जो बनेगा नाश्ता वो भी बहुत ही क्रिस्पी बन जाए। तो अगर आपका भी मन है, आपको फ्राई करने का मन नहीं है, एयर फ्रायर नहीं है, अवन नहीं है, तो अप्पे मोल्ड में बना सकते हो, नहीं तो आप इसे फ्राई कर सकते हो। तवे पर भी आप बना सकते हो शैलो फ्राई करके। थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने अप्पे मोल्ड में और इस क्रिस्पी से नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैंने रख दिए हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स लगाने से ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। जैसे जैसे गोल्डन कलर का होता जाए इसे आप पलटते जाइए। इसका भी इंजॉय आप हरी चटनी, टमेटो केचप, फेटा हुआ दही, मीठी चटनी किसी के साथ भी कर सकते हैं। है ना बहुत ही अमेजिंग सा। अब आपको बचाने पड़ेंगे बचे हुए चावल, क्योंकि आपको ये नाश्ते बनाने पड़ेंगे, बहुत ही पसंद आएंगे, या फिर पोहे से बना लीजिए। इस तरीके से वेरिएशन कर करके आप बहुत सारे नाश्ते बना सकते हो। और इस नाश्ते से काफ़ी सारा नाश्ता बना है, मतलब आराम से पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।